हे एवरीवन, हम बात करें व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो स्टडी कर रहा है। अब यहाँ पे इनकम पैसेस मीनिंग जो जो इन सर्कल कलर सराउंड कर रहा है किसको, सारे के सारे एस्पेक्ट्स को बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन के। एस्पेक्ट्स मीनिंग पर्टिकुलर पार्ट फीचर किसी चीज का, किसका, बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का, इन्फॉर्मेशन एक्वाइटाइजेशन। यहाँ पे हम लर्न करेंगे, डेवलप करेंगे स्किल्स को, बायोलॉजिकल स्किल्स को, ताकि हमें जीन्स के बारे में, डीएनए के सीक्वेंस के बारे में और पता लग चुके, हम और प्रोसेसिंग कर सके। और प्रोसेसिंग मीनिंग हम सीरीज कर सके केमिकल बायोलॉजिकल ऑपरेशन की, ताकि बायोलॉजिकल सीक्वेंस को प्रिजर्व किया जा सके, चेंज किया जा सके पूरे वर्ल्ड के अंदर, उनके अंदर इतनी नॉलेज आ सके सो डैट कि और जीन्स के बारे में नॉलेज मिल सके, स्टोरेज की जा सके। किसकी? जीन्स की। स्टोरेज मीनिंग वो मेथड ऑफ स्टोरिंग किसका? जीन का। यहाँ पे क्योंकि हम बात करें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, बायोलॉजिकल सीक्वेंस की, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, जिसका मतलब है किस वे में वो इन्फॉर्मेशन को हम शेयर करेंगे पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर और सेपरेट कर देंगे उस एरिया के अंदर, एनालाइज किया जा सके कि क्या कोई चीज़ जो बहुत ही जीन सीक्वेंस कोई कॉम्प्लेक्स थी, हमने उसको कैसे एनालाइज किया, उसके नेचर को, उसकी अंडरस्टैंड किया, उसके स्ट्रक्चर को इंटरप्रेट किया जा सके, ताकि हम उसको इंटरप्रिटेशन कर सके, एक्सप्लेन कर सके उसका मीनिंग, जीन सीक्वेंस का मीनिंग। और इसके लिए हमें क्या चाहिए? मैथमेटिक्स टूल्स, कंप्यूटर साइंस, बिकॉज ये हम सब कंप्यूटर में करेंगे, डाटा स्टोरेज होगा कंप्यूटर में होगा, और बायोलॉजी तो मेन है, इसी हम बायोलॉजिकल सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल सीक्वेंस ताकि हम अंडरस्टैंड किया जा सके बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के, और बहुत सारी अलग अलग वैरायटी को भी यूज़ किया जा सके।